आज हम बात करने वाले हैं बीएसएससी इंटर स्तरीय जो एग्ज़ाम होनी है वो कब तक होगी, कितने फॉर्म फिल हुए, और अभी जो लेटेस्ट एक नोटिस आई है कि आपके जो अपलोड करने का डॉक्यूमेंट्स डेट है वो 1 महीना और बढ़ा दी गई है। ये चीज़ें इसलिए की गई है कि पिछली बार जब हम लोग के समय क्या हुआ था ना कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड में भी बहुत सारे तरह की दिक्कतें आई और उसको काउंसलिंग में सॉर्ट आउट की गई, तो काउंसलिंग में चीज़ें हौच पौच ना हो जाए इसीलिए अभी से आपको समय पे समय दिया जा रहा है। तो अगर फिर भी किसी के डॉक्यूमेंट्स अपलोड में कोई दिक्कत हो गई है तो वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें, और डेट जो है वो बढ़ा के 18 फरवरी से 18 मार्च कर दी गई है। तो मुद्दा ये नहीं है कि 18 मार्च कर दी गई है, इसकी वजह से आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो भी ऑब्वियस है कि आगे बढ़ जाएगी। उसके बाद कितने फॉर्म फिल हुए हैं ये चीज़ें भी आपको जाननी है, कि चूंकि अभी आरटीआई का रिप्लाई नहीं आ सकता है, चूंकि फॉर्म का जो प्रोसेस है वो अभी चल ही रहा है, तो तमाम चीज़ों पे हम, हालांकि ये जो आपके आरटीआई के रिप्लाई आए या ना आए, एक के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पे कि कितना फॉर्म अप्लाई हो चुका है वो तो हम निर्धारित कर ही सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? तो नहीं, चलिए हम बात कर लेते हैं कि बीएसएससी इंटर स्तरीय जो आपके एग्ज़ाम होंगे उसका एग्ज़ाम डेट कब होगा। देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम डेट कब होगा, तो आपके मार्च तक तो फॉर्म ही भरे जा रहे हैं। वो अलग बात है कि फॉर्म तो भरे जा चुके हैं लेकिन फॉर्म का प्रोसेस चालू है आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। तो 18 मार्च यानी कि मार्च तो गया पूरा, उसके बाद अप्रैल, अप्रैल में इलेक्शन है, मई में इलेक्शन है, जून के लास्ट तक, जून के लास्ट तक पॉसिबल है कि आपके एग्ज़ाम हो, ठीक है? जून के लास्ट तक, चूंकि यहाँ पे बहुत सारे राजनीतिक फेरबदल भी होंगे, उसमें हो सकता है डिले हो जाए, तो मैक्सिमम जाएगा तो जुलाई जाएगा, ठीक है? यानी कि जून के लास्ट या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका पीटी होगा, ठीक है? यानी कि पीटी ही कह सकते हैं, सीबीटी तो नहीं कह सकते क्योंकि ओएमआर बेस्ड ही होता है। तो आपके जुलाई या जून में आपके एग्ज़ाम होंगे, इतना बात कंफर्म हो गया। टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं इस बात पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पे अभी तक का जो डेटा है वो 22 लाख है, 22 लाख प्लस, आप मान के चलो कि 22 लाख प्लस, ठीक है, 22 लाख प्लस जो है वो फॉर्म फिल हुए हैं। ऐसा इसलिए हुआ है कि इसमें से बहुत सारे तकरीबन 7 या 5 6 लाख अराउंड में आपके झारखंड के बच्चे, यूपी के बच्चे, कुछ एमपी और राजस्थान के बच्चे इसमें आ गए हैं, और बंगाल के कुछ बच्चे हैं। तो इस वजह से बिहार में ही आप समझ सकते हैं कि कितने बच्चे होते हैं। और ऊपर से अभी आपने देखा होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए 50 लाख प्लस आवेदन गए, 50 लाख प्लस, तो मिनिमम तो मुझे लग रहा है कि 6 7 लाख उधर से ही इधर आ जाएंगे। हम लोग के समय में भी आए थे लेकिन उतना नहीं था, चूंकि अब चीज़ें सर्कुलेट हो जाती है, कहीं भी फॉर्म निकलती है तो इंटरनेट के माध्यम से सर्कुलेट हो जाती है, तो यूपी बिहार लगभग सेम ही जगह है, तो वहाँ से अभी तक का 22 लाख का डेटा है। एग्जैक्ट दो जो पता चलेगा वो आपके जैसे ही आ जाता है, ऑफिशियल आंकड़ा आ जाता है तो आपको पता चल जाएगा। ऑफिशियल आंकड़ा कैसे आएगा, आरटीआई के द्वारा आपके जैसे ही इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको बता दूंगा। तो फिलहाल आप ये मान के चलो कि कंपटीशन तगड़ा है, हालांकि नंबर ऑफ वैकेंसी भी ज़्यादा है। क्या वैकेंसी इंक्रीज होगी, तो अब नहीं मुझे लग रहा है कि वैकेंसी इंक्रीज होगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वैकेंसी है, इंक्रीज करने का प्रावधान भी है और इंक्रीज किया भी जा सकता है, लेकिन वैकेंसी इसलिए नहीं इंक्रीज किया जाएगा चूंकि इनको वोट में इसको कन्वर्ट करना है तो वो वैकेंसी में कन्वर्ट करेंगे, तो वैकेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें अगर डाल देंगे तो नया वैकेंसी कहाँ से लाएंगे। तो इसके बाद आपके इंटर स्तरीय थर्ड की भी वैकेंसी आने वाली है, यानी कि अगर इंक्रीज नहीं होती है, और ऑब्वियस नहीं होगी क्योंकि ये पॉलिटिकल मुद्दा है कि जितना बड़ा हम वैकेंसी देंगे उतना वाहवाही होगा, अगर इसमें हम जोड़ के और बढ़ा देंगे तो उतना वाहवाही नहीं होगा, इस वजह से आपकी वैकेंसी इंक्रीज नहीं होगी, नई वैकेंसी आएगी। और ये कितना आएगी, कम से कम तो आप मान के चलो कि 10,000
फिर से आपकी नई वैकेंसी आ सकती है। हालांकि ऑलरेडी एक बार इसमें वैकेंसी इंक्रीज हुई है, आपने देखा होगा कि 1100 के समथिंग इसमें वैकेंसी इंक्रीज हुई थी, लेकिन अब दोबारा मुझे नहीं लग रहा है कि चूंकि इलेक्शन भी आ गया है, अब वैकेंसी इंक्रीज करने का कोई तुक भी नहीं बन रहा है और बनेगा भी नहीं। और आपकी वैकेंसी CGL 4 की भी आ रही है और डिफरेंट डिफरेंट विभाग से आपने देखा होगा कि पुलिस कांस्टेबल की भी वैकेंसी, दरोगा की वैकेंसी भी आ रही है, तो तमाम बिहार की वैकेंसी आ रही है। तो आप बने रहेगा चैनल के साथ, आपको यहाँ पे तमाम जितने भी वैकेंसियाँ बिहार से रिलेटेड है सभी आपको दी जाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।